तो दोस्तों, आपको अगर आपने YouTube चैनल का नाम जो है वो चेंज करने के लिए अगर आपने देखा होगा कि आपको 90 दिन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, या फिर Google Plus जो है उसके जरिए आप अपनी YouTube चैनल का नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसे एक ट्रिक बताऊंगा कि जिसके जरिए से आप विदाउट Google Plus और विदाउट 90 दिन की प्रतीक्षा करते हुए भी आप अपने YouTube चैनल का नाम है जो है वह बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो। तो इसके बाद मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर ले जाऊंगा और वहां पर आपको क्या वो ट्रिक क्या करनी है वह मैं आपको बताऊंगा। तो नमस्कार, मैं हूं गणेश चेडे, आप देख रहे हैं टेक्निकल टीचर। तो चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ब्राउजर को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने YouTube ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे ये मेरा चैनल है, तो इसको मैं माय चैनल में ओपन करूँगा। इसके बाद मैं कस्टमाइज चैनल में जो चला जाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए, मेरे 2 सब्सक्राइबर हैं। तो इसके बाद मुझे मेरे YouTube चैनल का नाम जो है वो चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे ये जो सेटिंग का बटन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करने वाला हूँ। तो इसके बाद मैं एडिट ऑन गूगल, तो हम अपने यूट्यूब का चैनल का नाम जो है, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाऊंगा कि होता है कि नहीं। तो दुधगांव बीकेवी बॉयज़, और सिर्फ मुझे यहाँ पे बीकेवी रखना है। तो मैं ओके करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, चेंज टू रिसेंटली। तो गूगल की और यूट्यूब की टर्म पॉलिसी है कि आप 90 डेज के अंदर अगर नाम चेंज करवाते हो तो अगला नाम चेंज करवाने के लिए आपको 90 डेज का इंतज़ार करना पड़ता है, उसके बाद ही आप ये चेंज कर सकते हो। लेकिन हमें, मैंने जो ट्रिक्स बनाई है इसके जरिए मैं आपको ये जो दुधगांव बीकेवी भी जो नाम है वो मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा। तो कैंसिल करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, नाम चेंज नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो क्रिएट न्यू चैनल पे चले जाना है। क्रिएट न्यू चैनल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे जो आपने चैनल का नाम आप रखना चाहते हो तो उसका नाम आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ हाउ टू चेंज नेम, और मैं यहाँ पे आप क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसी ईमेल आईडी पे मेरे 2 चैनल बन जाएंगे। सबसे पहले तो है तो वो दुधगांव बीकेवी भी है, और दूसरा जो चैनल बनने वाला है वह है हाउ टू चेंज नेम। तो मुझे वो दुधगांव बीकेवी भी का नाम जो है वह हाउ टू चेंज पे हाउ टू चेंज नेम ऐसा करना है। तो मैं यहाँ पर देखिए, हाउ टू चेंज नेम यह जो है यह चैनल बन चुका है। अब ये जो चैनल है ये नया है, यहाँ पे सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन जो दुधगांव बीकेवी इस पर जो चैनल पे जो सब्सक्राइबर है या फिर जो वीडियो है, मैं इस पर आपको मूव करके दिखाऊंगा। आपका ईमेल आईडी यहाँ पे चेंज नहीं होता है, ईमेल आईडी वही रहेगा, सिर्फ आपका जो चैनल है वह इस नाम से, जिस नाम से आपको चाहिए उस नाम से वह आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमें फिर से जाना है यहाँ पर दुधगांव बीकेवी बॉयज, इस अकाउंट से हमें नाम को जो है वो चेंज करना है। मैं एक बार रिफ्रेश कर लूँगा, तो दुधगांव बॉयज बीकेवी। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, सेटिंग पर क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं एडवांस सेटिंग पे चला जाऊँगा। तो एडवांस सेटिंग में एक ऑप्शन है मूव चैनल टू ब्रांड अकाउंट, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे ये यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे ये जो पुराना वाला चैनल का नाम है वो यहाँ पर है, और मुझे नया चैनल का नाम लेना है। तो हाउ टू चेंज नेम पर मैं क्लिक करूँगा। अब जो पहला वाला जो चैनल है वह डिलीट हो जाएगा, लेकिन उसके जो सब्सक्राइबर है, उसके जो वीडियोस हैं, वह सब इस नए चैनल पे आ जाएगी। आपका मोनेटाइजेशन भी वह भी
ऑन रहता है, उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो मूव चैनल पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर भी मूव चैनल पर ही मैं क्लिक करूँगा। तो इतना करने के बाद देखिए अब क्या होता है। ठीक है, तो ये चैनल जो है हाउ टू चेंज नेम, ये हमारा मूव हो चुका है। तो यहाँ पर हम ओके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तो ये हमारा हो चुका है। तो आप यहाँ पे देखिए दिपगांव बीकेवी, तो यहाँ पे देखिए 2 सब्सक्राइबर आ चुके हैं, यानी यहाँ के जो सब्सक्राइबर थे 2 सब्सक्राइबर वो यहाँ पर आए हैं। तो हम इस अकाउंट से अब लॉगिन करेंगे और क्रिएटर स्टूडियो पर चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो वीडियो है वो यहाँ पे आ चुका है, मेरे सब्सक्राइबर भी यहाँ पर आ चुके हैं। आप क्रिएटर स्टूडियो क्लासेस पर जाएंगे, स्किप करेंगे। तो ये वीडियोस आ चुके हैं, सब्सक्राइबर भी आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा चैनल का नाम हाउ टू चेंज नेम इस प्रकार से नया नाम हो चुका है। तो व्यू चैनल पर क्लिक करके बाद आप इस नाम को भी बहुत बार चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करोगे और इसके बाद अगर इसका भी नाम आपको चेंज करना है तो आप बहुत बार चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे एडिट ऑन गूगल हाउ टू चेंज नेम और यहाँ पर आप अपना नाम दे सकते हैं हाउ। ओके, तो हाउ टू आ गया है, यहाँ पर चैनल का नाम अपने आप चेंज हो जाएगा। ये देखिए हाउ टू, आप कितने भी बार चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत बार नाम चेंज करने के बाद भी यह नाम चेंज हो जाता है। माई न्यू चैनल, तो मैं बहुत बार नाम चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लीजिए तो हाउ टू की जगह माई माई न्यू चैनल, यानी नाम चेंज हो रहा है। अब आप कितनी भी बार कर सकते हो, 90 डेज की जो पॉलिसी है वो यहाँ पे आपको नहीं लागू होगी। तो इस प्रकार से अब आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं और 101% ये ट्रिक्स काम करती है। इससे आपका मोनेटाइजेशन पर भी कोई असर नहीं होता, वीडियोस पर सब्सक्राइबर पर भी कोई असर नहीं होता, आपकी चैनल की जो लिंक है वह भी इससे बरकरार रहती है, वह भी चेंज नहीं हो जाती। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से आप चेंज करवा लीजिए। आपका ईमेल आईडी जो है वो हमेशा पुराना ही रहेगा, उसका यूज़र नेम पासवर्ड वो चेंज नहीं होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हो और अगर आपके मन में कोई हाउ टू से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में बताइए, उस इशू पर उस विषय पर मैं 100% वहाँ पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।